नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, साथ ही अपने आत्मीय जनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो, लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, लोकसभा चुनाव के पूर्व 15 मई को हमने दो वीडियो के माध्यम से भविष्यवाणी की थी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी और किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटें मिलेंगी, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। कुछ बड़े बड़े नेताओं के बारे में हमने आपको जानकारी दी थी जो 100% सही साबित हुई। आज हम आपको एक ऐसी पार्टी के बारे में जानकारी देंगे कि जिसे देख करके आज लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। लगभग 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ऐसे हमें राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती, लेकिन जहाँ तक हमारा अनुमान है कि शायद 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। इतने साल पुरानी इस पार्टी का रस इस प्रकार से होगा यह किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो आज एक क्षेत्रीय पार्टी बनकर के रह गई है। उसका अस्तित्व जो है लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है। क्या कांग्रेस का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त हो जाएगा या कांग्रेस पुनः उभर करके सामने आएगी, ये सब लोगों के अंदर एक कौतूहल का विषय बना हुआ है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि कांग्रेस का अस्तित्व बचेगा या नहीं बचेगा। मित्रों, 6 माह से लेकर 1 साल के बीच के अंदर, यानी अभी 6 माह का जो समय है या 1 वर्ष का समय ले लें, वो कांग्रेस के लिए बहुत ही बड़ी चुनौतियों का समय रहेगा। बहुत सारे उठापटक इस समय आपको देखने के लिए मिलेंगे। बड़े बड़े राजनेता जिनके बारे में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, ऐसे राजनेता पार्टी को छोड़ करके अन्य पार्टियों में शामिल होंगे। कांग्रेस शासित राज्यों में बड़ी उथल पुथल मचेगी। किसान आंदोलन उग्र होंगे, बिजली को लेकर के आंदोलन बढ़ेंगे। राजस्थान और मध्य प्रदेश में हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी। छत्तीसगढ़ में नक्सली हिंसाएं बहुत ज़्यादा उग्र होंगी। इससे बहुत ज़्यादा हानि होने की संभावना है। कुछ बड़े नेताओं के भी इसमें मारे जाने की आशंका दिखाई दे रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, कमलनाथ सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा। उन्हें अपनी सरकार बचाना मुश्किल होगा। हो सकता है कि इस बीच उनकी सरकार गिर जाए, यानी बहुमत उनको ना वो अपना बता सकें और उनकी सरकार गिरने के संकेत हमें दिखाई दे रहे हैं। राजस्थान में भी अशोक गहलोत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय रहेगा। बहुत उठापटक होगी। छत्तीसगढ़ में भी जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, उन्हें भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। उनके ही साथी उनके लिए परेशानी का कारण बनेंगे और संभवतः ये भी हो सकता है कि वो शायद अपना कार्यकाल पूरा भी ना कर पाएं,
किसी दूसरे व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद उन्हें देना पड़े। जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, आगे ये संभावना बढ़ रही है कि वो अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे और उसके पश्चात कोई ऐसा व्यक्ति आएगा सामने जो एक युवा होगा और वो अध्यक्ष पद की बागडोर को संभालेगा और उसकी बागडोर संभालने के पश्चात में जो कांग्रेस का विघटन हुआ था, कई टुकड़ों में जो कांग्रेस बट गई थी, वो सबसे पहले उन्हें संगठित करने का प्रयास करेगा और उसके पश्चात जो बड़े बड़े नेता अन्य पार्टियों में चले गए हैं उनको वापस लाने का प्रयास करेगा। और कुछ ऐसे नेता जो बड़े वरिष्ठ हैं उन्हें हो सकता है या तो पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया जाए या उनकी पार्टी में किसी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी, यानी वो पार्टी में एकदम इग्नोर कर दिए जाएंगे। 2024 तक आते आते उस पार्टी को वो एक मुकाम तक पहुंचाएगा, यानी दूसरी नंबर की पार्टी खड़ी होगी, क्योंकि 2024 में भी कांग्रेस की आने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं है। 2024 में पुनः बीजेपी आएगी, ये हमारी भविष्यवाणी है। लेकिन 2024 में के चुनाव में कांग्रेस पुनः उभर करके सामने आएगी और बड़े विपक्ष की भूमिका वो निभाएगी। लेकिन गांधी परिवार से अलग निश्चित रूप से एक साल के अंदर या छः माह के अंदर कोई न कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष पद का कार्यभार संभालेगा, ऐसा हमें संकेत दिखाई दे रहे हैं। तीन राज्यों में से मध्य प्रदेश संकट की स्थिति में हमें दिखाई दे रहा है कि मध्य प्रदेश हो सकता है कमलनाथ सरकार के हाथ से चली जाए। कर्नाटक में जो इनकी साझा सरकार चल रही है वह भी हाथ से जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष के अलावा अन्य क्षेत्र में, यानी कि उसके अलावा जब पार्टी का कार्य करेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए वह पार्टी के लिए ज़्यादा लाभदायी सिद्ध नहीं हो पाएंगे और आगे यदि मान लो वो कंटिन्यूस करते हैं तो फिर कांग्रेस में बहुत ज़्यादा विद्रोह बढ़ेगा और अंतोदगत्वा ऐसी स्थिति आएगी कि उन्हें अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा और उसके पश्चात ही कांग्रेस का उद्धार होना संभव होगा। तो 2024 तक कांग्रेस पुनः अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करेगी और फिर से उभर करके एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभाने में कामयाब होगी, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो मित्रों, आज हमने आपको कांग्रेस व उसके जो कुछ तीन शासित उनके जो राज्य हैं उनके बारे में जानकारी दी। आशा है आपको ये भविष्यवाणी हमारी आगे आने वाले दिनों में जब सत्य प्रतीत होते हुए लगेगी तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और बताइए कि पूर्व की भांति हमारी यह भविष्यवाणी भी शत प्रतिशत सत्य साबित हुई। मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना ना भूलें। इसी प्रकार अपना स्नेह और प्यार हमें देते रहें, इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा आप लोगों के ऊपर इसी प्रकार बनी रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ में आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, ओम शांति।